अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर विल्मा श्वाबे जर्मनी की जानिब से सेहत का पैगाम। प्रोग्राम है होमियो ऑनलाइन और मैं हूं आपका मेज़बान अली इमाम। नाज़रीन इकराम, हमारा ये सिलसिला जारी और सारी है। हर महीने एक नई एपिसोड आपको मिलती है देखने को, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे फेसबुक पेज और हमारा जो यूट्यूब चैनल है जो कि श्वाबे पाकिस्तान की जानिब से पेश किया जाता है, उसको आपने सब्सक्राइब करना है। उसके नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आपने प्रेस करना है ताकि आपको प्रॉपर इंटीमेशन नई वीडियोस की मिल सके। इस पूरी जो हमारी सीरीज़ है उसका एक जो वाहिद मकसद है वो है आपको होम्योपैथी और सेहत के हवाले से मुस्तनद और मुफीद मालूमात पहुंचाना। और जिसके लिए हम जहमत देते हैं अपने स्टूडियोज़ में पाकिस्तान भर से जो मायानाज़ और मुमताज़ होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं उनको हम यहाँ पर बुलाते हैं। आज का जो हमारा जो मौजू है इस प्रोग्राम का वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू है, वो है डिप्रेशन और होम्योपैथी, जो कि हमारे मुल्क क्या बल्कि ओवरऑल जो पूरी दुनिया है उसमें तकरीबन 50-60-70% लोग जो है इसका शिकार हैं। तो हमने आज जहमत दी अपने स्टूडियो में एक बार फिर जनाब बनारस खान आवान साहब को, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इनके जो राइटिंग्स हैं, इनके जो रिसर्च हैं, वो मुल्क और बैरून मुल्क जो जराइद हैं उसमें छपते रहते हैं, हम उसको देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और प्लस मटीरिया मेडिका के ऊपर इनका बड़ा काम है, रिसर्च वर्क करते रहते हैं होम्योपैथी के हवाले से, दर्स व तदरीस से इनका ताल्लुक है। तो आज हमने उनको जहमत दी है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। और होम्योपैथी में डिप्रेशन के मरीज़ को कितना अरसा लगता है सेहतियाब होने में? बल्कि इस सवाल को अगर हम यूं कहें कि होम्योपैथी में कोई भी मर्ज़ ठीक होने में कितना वक्त लगता है? बेहतर, बिल्कुल ऐसे ही, ताकि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम इसको समझें, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे दिल की बीमारी है, आज़मा कुछ भी। देखिए, जैसे हमने कहा कि होम्योपैथी इनफरादी इलाज के साथ बहस करती है, बिल्कुल। अब देखें, होम्योपैथिक फिलासफी के रूप से आपकी डिप्रेशन और मेरी डिप्रेशन में फ़र्क है, ऐसा ही है। आपको औलाद की तरफ से फ़र्ज़ कर लेते हैं मसाइल आए हैं तो आप डिप्रेशन में चले गए, मेरा बिज़नेस तबाह होगा मैं डिप्रेशन में चला गया, किसी को कोई धोखा दे गया, किसी ने कोई इंसल्ट किसी कर दी, किसी को माशी नाइंसाफ़ी का शिकार हुआ, डिप्रेशन अल्टीमेटली जाम उसी खाने में रहे हैं डिप्रेशन में, लेकिन अपने अपने अलग अलग वो शजरे के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं बिल्कुल। लिहाजा एक होम्योपैथ हर इंडिविजुअल के साथ उस पर उसकी डिप्रेशन से बहस करता है कि आप किस तनाजर में से गुजर कर डिप्रेशन, लिहाजा वो अलग अलग होगा। मे भी आपकी डिप्रेशन एक हफ्ते में ठीक हो जाए, मेरी डिप्रेशन में 2 हफ्ते लग जाए, किसी की 4 हफ्ते लग जाए, तो फिक्स दौरानिया नहीं दिया जा सकता होम्योपैथी में। जैसे मैंने शुरू में भी एक और नशिस्त में हमने अर्ज किया था कि हर शख्स का जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे से मुख्तलिफ है, ऐसे ही, बल्कि दो जो आइडेंटिकल जो बेबीज होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, वो भी किसी ना किसी हवाले से अलग होते हैं। तो इसलिए इसमें दौरानिया नहीं है, आलात के मुताबिक है और आगे इंडिविजुअल की रिस्पांस के मुताबिक है। देखिए, मैं आपको दवा तो दे रहा हूँ डिप्रेशन की दूर करने की, लेकिन आप जिस माहौल में रह रहे हैं, पड़ोसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा मुकदमा चल रहा है, रोज़ाना सुबह उठते हैं उसके दरवाजे पर नज़र पड़ रही है, आप पर डिप्रेशन का एक अटैक आता है, वहाँ पर मेरी दवाई मैनेज कर रही है आपको, सही है, डिप्रेशन से निकाल तो रही है, परमानेंट वो काज है, तो हम उस काज की तरफ भी देखेंगे, सही, और आपकी सोच को होम्योपैथिक दवाएँ ज़्यादा मुस्बत बनाएंगी। आपके अंदर अगर लचक नहीं है, रिजत पसंदी है, तो लचकदार रवैया रखेंगी ताकि आप इस सोसाइटी के साथ एक बैलेंस्ड माहौल में आगे चल सके और डिप्रेशन भी दूर हो जाए। सही डॉक्टर साहब, एक अमूमन जो एक सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है वो ये है कि जब कोई पेशेंट होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आता है तो वो पहले से जो उसका सिलसिला एक जो मॉडर्न मेडिसिन का चल रहा होता है तो उसमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये हम दवाइयाँ रोक दें या साथ लेके चलें, बड़ी कन्फ्यूजन है इसमें कि जी वो आपकी दवाई कैसे असर करेगी, तो इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे कि क्या दवाइयाँ जो पहले से मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी चल रही होती है उसको कंटिन्यू करना चाहिए या उसको ग्रेजुअली कम करना चाहिए या रोक देना चाहिए? देखिए, हमारे पास इस तरह के पेशेंट बहुत आते हैं। एक डायबिटिक पेशेंट है, वो 10 साल से दवाई खा रहा है, बीपी वाला अपनी दवाई खा रहा है, एपिलेप्सी वाला अपना खा रहा है, मेदे के अल्सर वाला अपना खा रहा है, डिप्रेशन वाला अपनी दवाई खा रहा है। हम असूलन उसकी वो दवाएँ बिल्कुल नहीं रोकते, ठीक है, उसको एक टर्म होती है टेपर ऑफ,
आइंदा हम उसको टेपर ऑफ करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त। एक मुनासिब माहौल मिलने पर जब एक कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट उसकी उस बीमारी में आ जाएगी तो वहाँ टेपर ऑफ करेंगे। फौरी छोड़ने से बहुत ज्यादा क्राइसिस होते हैं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं कि एक मुनासिब वक्फा हम रख देते हैं उस दवाई और इस दवाई के दरमियान, कि आप वो दवाई अस्पे दस्तूर जारी रखें, साथ हमारी ये दवाई पर लें, और फिर जैसा मैंने कहा टेपर ऑफ करते चले जाते हैं। बिजाक वक्त हम उसको ख़त्म नहीं करते, और ना ही ऐसे मरीजों की दवाई आपको बिजाक वक्त ख़त्म करनी चाहिए। ये एक मजबूरी है कि वो ऑलरेडी उन दवाओं पर है। हाँ, अगर वो किसी और दवाई पर ना होते तो हमें फिर किसी दवाई की ज़रूरत नहीं थी। दूसरे हम मुकम्मल 100% अपनी दवाइयों के साथ मरीज को लेकर चलते और हम चलते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, आपने अपने बयान में मुस्बत सोच का जिक्र किया, इस पर कुछ मज़ीद अगर रोशनी आप डालें। देखें, एक सोजन नाम की खातून है, उसने एक डिप्रेशन के हवाले से लिखा है, और उसमें उसने एक टर्म यूज किया है आर्डीनेस, तो बहुत ज़बरदस्त टर्म। वो जहाँ तक आर्डीनेस का ताल्लुक है, ये तीन सिफात पर मुश्तमिल है। ठीक है, आपने मस्बत सोच का जिक्र, वो है अकीदा की पुख्तगी और इंसानी अकदार पर यकीन। जबरदस्त, बिल्कुल, अकीदा की पुख्तगी जी। और नंबर दो है कंट्रोल, जिसको कहते हैं कुव्वत इरादी, यानी आपके अंदर आलात और वाकयात का रुख मोड़ देने की सलाहियत कितनी। ठीक है, ठीक है। और तीसरा है बहुत ज़बरदस्त, ज़मीनी अकायक को तस्लीम कर लेने का रुझान। भाई ये हो गया, हमारी एक दवाई है ना इग्निशिया, जैसा आपको मैं बताऊं, वो ऐसी दवाई है कि हम उसको आम तौर पर डिसअपॉइंटेड लव में देते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल। लेकिन देता तो वो डॉक्टर ही है जी। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ मरीज जो है वो अकायक को तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं, बल्कि इसको मैं कहूँगा कन्फ्लिक्ट बिटवीन हेड एंड हार्ट। ठीक है, ये जिसको कहते हैं दिलो दिमाग के दरमियान कश्मकश। और जब हम ज़मीनी अकायक को तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं, असाबी दबाव और तनाव का शिकार होते हैं और अगले स्टेज में डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये मस्बत सोच होम्योपैथिक दवाएं, जैसा मैंने कहा ना, आपको बैलेंस मिलाती है, क्योंकि आपकी आप पेसिमिस्टिक थे, आपके अंदर शिद्दत पसंदी थी, आपके अंदर लचक नहीं थी, तो होम्योपैथिक दवाएँ इस काबिल हैं कि आपके अंदर लचक, बर्दाश्त, रवैया और तमल मजाजी पैदा करती हैं, जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकालती है। जी है मस्बत सोच। बड़ी बहुत ही मुफसिल गुफ्तगू, बड़ी कंप्लीट, और यकीनन आप नाजरीन जो हैं इसे महफूज हुए होंगे, महसूस हुए होंगे, और आपके लिए ये यकीनन मेरे लिए भी और तमाम लोगों के लिए बहुत कुछ सोचने और समझने की चीज़ है। यहीं पर हमारे शो का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचता है। फ्रॉम नेचर फॉर हेल्थ, ये श्वाबे का स्लोगन है, उनके लोगों के साथ अक्सर हम ये पढ़ते हैं, और ये यही एक वो वाहिद चीज़ है जो कि चूँकि हमारी बॉडी जो है वो नेचर पे बनी हुई है, हमें उसको जो डॉक्टर साहब के साथ भी हमारी जो जितनी भी गुफ्तगू हुई है उसमें उन्होंने यही बताया कि हम नेचर ही के थ्रू उसको जो है रिजॉल्व करते हैं और उसको सेहत की तरफ लेके आते हैं। तो ये श्वाबे पाकिस्तान जो है इस सिलसिले में काम कर रहा है, और श्वाबे की बुनियादी काविश जो है बेसिकली ये एक सोशल सर्विस है जिसका मकसद सेहत और इलाज के मुतालिक मुस्तनद मालूमात और आगाही फराहम करना है। बाकायदा और मुकम्मल इलाज के लिए बराहे करम आप अपने नज़दीकी मुस्तनद डॉक्टर से राबता कायम कीजिए, होम्योपैथिक मुस्तनद डॉक्टर से। इस सोशल सर्विस के लिए श्वाबे जर्मनी और पाकिस्तान में इनके एक्सक्लूसिव पार्टनर डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो प्राइवेट लिमिटेड और दारुल अद्वियात की खिदमात काबिले कदर हैं। इंशाअल्लाह हमारा ये प्रोग्राम इसी तरह जारी और सारी रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में नई एपिसोड के अंदर हम मज़ीद आपको नई सेहत के हवाले से मुफीद और मुस्तनद बातें आप तक अपने मायनाज डॉक्टर्स के थ्रू पहुँचाएँ। अपने मेज़बान अली इमाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।